दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे IPL 2021 का 29वां मुकाबला कौन कौन सी दो टीमों के बीच खेला जाएगा। दोस्तों दोनों टीमों की क्या होगी संभावित प्लेइंग 11 हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे कौन सी टीम जीतेगी 100%। दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है आज कौन सी टीम जीतने की संभावना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना नई से नई जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। IPL 2021 का 29वां मैच पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे। यानी पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच आज IPL 2021 का 29वां मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला हाई वोल्टेज होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही टीमें इस समय विजय लय में हैं और इसे बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। केएल राहुल के नेतृत्व वाली पंजाब किंग ने पिछले मैच में मजबूत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 34 रन से मात दी। वहीं ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल ने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर को 7 विकेट से मात दी है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल का मौजूदा सीजन में अब तक प्रदर्शन शानदार रहा है। दिल्ली ने अब तक 7 मैच खेले हैं जिसमें से 5 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं IPL 2021 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं पंजाब किंग ने 7 में से 3 मैच जीते हैं और अंक तालिका में 5वें स्थान पर जमी हुई है। अब पंजाब किंग की कोशिश दिल्ली को मात देकर अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने व प्ले ऑफ में पहुंचने का दावा पुख्ता करने पर होगी। दोस्तों इस मुकाबले में दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बीच कड़ी जंग देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों टीमों के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। वैसे दिल्ली कैपिटल के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी क्योंकि उसने मौजूदा सीजन में पंजाब किंग को सिक्कत दी है। पंजाब के खिलाफ दिल्ली कैपिटल ने 6 विकेट से जीत दर्ज की है लेकिन ये मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि पंजाब के पास ओवरऑल आउटर्स का लाभ होगा क्योंकि IPL इतिहास में दिल्ली के खिलाफ उसका रिकॉर्ड 15-12 का है। दोस्तों ये देखना होगा कि दोनों टीमें इस मुकाबले में क्या होगी यानी अपनी प्लेइंग 11 में किसे शामिल करेंगे। पंजाब किंग के पास निकोलस पूरन कुछ खास नहीं कर पाए हैं तो देखना होगा कि क्या उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा या दिल्ली में अमित मिश्रा की एंट्री होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 ऋषभ पंत कप्तान, विकेटकीपर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, सिमरन हार्टमेयर, मार्क स्टोनिस, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, ललित यादव, अमित आबिश खान और कगासो रबाड़ा। दोस्तों पंजाब की संभावित प्लेइंग 11 केएल राहुल कप्तान, विकेटकीपर महक अग्रवाल, क्रिस गेल, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, डेविड मलाल, शाहरुख खान, क्रिस जार्डन, हरप्रीत बाबर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, रायली मेरेटिन। दोस्तों ये दोनों टीमें आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेंगी। तो दोस्तों आज फिर 100% पंजाब किंग जीतने की संभावना है। दोस्तों आपको कौन सी टीम जीतने की संभावना लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।